पीओके को लेकर भारत सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। पीओके के लोगों ने भी दे दिया पाकिस्तानी सरकार को अल्टीमेटम। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों ने मांगी पीएम मोदी से मदद। पीओके को लेकर टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन में भारत का समर्थन देने तीन दुश्मन देश आए एक साथ। 1971 की तरह रूस देगा भारत का साथ। पीओके के लोगों ने गिरा दी पाकिस्तान की सरकार। दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान काफी मुश्किलों से गुजर रहा है और ऐसी मुश्किलों में पाकिस्तान के एक दो जगह नहीं बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में लगातार विद्रोह चल रहे हैं और अब ये स्थिति पाकिस्तान की सरकार के हाथ से निकल चुकी है, खासकर पीओके वाले क्षेत्र से जहां लोगों ने आर पार का फैसला ले लिया है। गिलगित बल्टिस्तान के लोगों ने कहा कि भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। यहाँ पिछले 12 दिनों से पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके भारत के लद्दाख से गिलगित बल्टिस्तान को जोड़ने की मांग की है। इसके कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में मांग की जा रही है कि कारगिल सड़क को फिर से खोला जाए और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से कारगिल जिले में बल्टिस्तान को दोबारा से मिलाया जाए। दोस्तों, अब हालात पाकिस्तान की सरकार के हाथ से पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं और पूरे पीओके में इस तरह के कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार भेदभाव करती है। यहाँ के लोगों को राशन मुहैया नहीं कराया जाता। जमीनों पर सरकार अवैध तरीके से कब्जा कर रही है और प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया जा रहा है। पीओके में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है और जहाँ है वहाँ सही से इलाज नहीं किया जाता। सिंध में मोदी के समर्थन में नारेबाजी, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा। दोस्तों, ये बात तो रही पीओके की, जहां भारत में शामिल होने के लिए भारत के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब हालात इतने बिगड़ गए हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के नए राज्यों में भारत में शामिल होने की बात चल रही है और पीएम मोदी के समर्थन में नारेबाजी चल रही है। पाकिस्तान के सिंध में भी पीओके की तरह लोग आए दिन सड़क पर उतर रहे हैं। पिछले दिनों यहां लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीएम मोदी की फोटो के साथ लोगों ने लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी, पाकिस्तान से सिंध आजाद होना चाहता है, कृपया सिंध के लोगों की मदद करें। दरअसल सिंध को भारत में मिलाने के लिए आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के मुखिया सफी बुरफत कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार सिंध के लोगों के साथ भेदभाव करती है, इसलिए यहाँ के लोग पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं और लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। पिछले दिनों सिंध के लोगों ने एक बड़ी रैली निकाली। इसमें शामिल लोगों ने कहा कि सिंध सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है। ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। पाकिस्तानी उत्पीड़न के खिलाफ बलूचिस्तान में प्रदर्शन। वहीं दोस्तों, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना और सरकार के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। सेना जब बलूचिस्तान के लोगों को परेशान करती है तो लोग एकजुट होकर उनका मुकाबला करते हैं। पिछले दिनों बलूचिस्तान में कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें लोगों का गुस्सा देखा जा सकता है। बलूची लोगों ने पाकिस्तानी सेना से तंग आकर उन पर पथराव भी किया। विरोध की ये आग अब तेज होती दिखाई दे रही है। क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तानी सरकार का विरोध? अब दोस्तों, पाकिस्तान में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान के सिंध में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और सिंध के सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद अली ने बताया कि केवल पीओके, बलूचिस्तान और सिंध में ही पाकिस्तान सरकार का विरोध नहीं हो रहा बल्कि पूरे देश में लोग सड़कों पर हैं। लोग अब समझने लगे हैं कि यहाँ की सरकारें उन्हें धोखा दे रही है। मजहब के नाम पर सिर्फ नफरत सिखाई जा रही है। लोग भूखे मर रहे हैं, पीने को साफ पानी नहीं मिल रहा, बीमारी में इलाज नहीं मिलता, कोई तरक्की नहीं हुई, सड़कों का बुरा हाल है। ऐसे में लोग क्या करेंगे? पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि सिंध, बलूचिस्तान और पीओके में पाकिस्तान की सरकार केवल अपने फायदे के लिए काम करती है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से सिर्फ अपने लोगों का फायदा दिलवा रही है। जब भी सिंध, बलूची या पीओके के लोग अपने हक की मांग करते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है। यही हालत पंजाब में भी कुछ जगहों पर है। सभी को मालूम है कि पाकिस्तान की सरकार उन्हें वो सब मुहैया नहीं करा सकती जो भारत की सरकार दे सकती है, इसलिए अब लोग वापस भारत से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए अब पाकिस्तान के हर हिस्से से आजादी के नारे उठने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारत के सामने कई समस्याएं हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत सरकार के पास पाकिस्तान से पीओके से लेकर बलूचिस्तान और सिंध तक से समर्थन निकल रहा है।
और भारत सरकार भी पीओके को लेकर सख्त एक्शन लेने की राह में है। लेकिन दोस्तों, अब भारत के सामने कई समस्या है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत सरकार के पास पाकिस्तान से पीओके से लेकर बलूचिस्तान और सिंध तक से समर्थन निकल कर आ रहा है और भारत सरकार भी पीओके को लेकर सख्त एक्शन लेने की राह पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब नजर डालनी होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आखिर क्या होगा। दरअसल पीओके जो कि भारत का क्षेत्र है, जिस पर पाकिस्तान ने जानबूझकर कब्जा कर रखा है, और पीओके का थोड़ा सा भी क्षेत्र जो पाकिस्तान ने चीन को कभी गिफ्ट के तौर पर दिया था, आज वो भारत के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। दोस्तों, भारत हमेशा से ही ये कहता आया है कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है और भारत इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब दोस्तों, समस्या यहीं से शुरू होती है कि अब आगे क्या होगा और भारत कैसे करेगा। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कश्मीर पहले से ही भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है और पाकिस्तान पीओके को किसी को भी बांटे, भारत के लिए ये मुद्दा हमेशा से ही द्विपक्षीय रहेगा। बात रही चीन की, तो उसको तो बातचीत से या युद्ध से जैसे भी होगा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ आती है बड़ी समस्या, क्योंकि यहाँ भारत के सामने टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन आती है। पीओके को लेकर जिस तरह से भारत सरकार अभी काफी एक्टिव है और जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री और आर्मी चीफ तक के बयान निकल कर सामने आए हैं, उससे ये तो साबित हो चुका है कि भारत सरकार पीओके को वापस भारत में शामिल करने का पूरी तरह से मन बना चुकी है। लेकिन यहाँ अगर भारत पीओके पर हमला करता है तो यहाँ भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ना पड़ेगा, और जब टू फ्रंट वॉर दुनिया देखेगी तब कौन भारत के समर्थन में आएगा या भारत की मदद करेगा, ये देखना जरूरी होगा। खासकर रूस को लेकर, क्योंकि सबसे पहले रूस को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो किसकी तरफ है और रूस भारत और चीन के बीच में किसका साथ देता है। क्या 1971 की तरह एक बार फिर रूस भारत को बाहर से सीधा सीधा समर्थन देगा और चीन देखता रहेगा, या फिर क्या होगा। वहीं दूसरी ओर सवाल ये उठता है कि इस समय भारत और इसराइल के रिश्ते काफी मजबूत हैं और भारत और अमेरिका के भी। लेकिन बात रही अमेरिका का भारत और चीन या भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बीच में पड़ने की, तो इसमें बहुत ही कम चांसेस हैं। लेकिन इसराइल के हैं, और वो ऐसे हैं कि इसराइल भी जानता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन भी सीरिया में उसके खिलाफ हैं, और पाकिस्तान तो इसराइल को देश तक नहीं मानता। ऐसे में जिस तरह इसराइल ने कारगिल युद्ध में भारत को हथियार मुहैया कराया, भारत की मदद की, क्या इस बार भी इसराइल ऐसी मदद करेगा अगर भारत पीओके पर चढ़ाई शुरू करता है तो। और दोस्तों, जहां इसराइल आता है वहां तो फिर अमेरिका भी आता है, क्योंकि अमेरिका ये बात जानता है कि चीन के बढ़ते वर्चस्व को अगर कोई ढा सकता है तो वो भारत है। बेशक अमेरिका युद्ध में भाग न ले, लेकिन सैन्य हथियार को लेकर भारत बनाम चीन पाकिस्तान युद्ध हुआ तो सीधी सी बात है, अमेरिका भारत को हर वो घातक हथियार मुहैया कराएगा जिससे भारत चीन का दमन कर सके। हालांकि दोस्तों, देखना ये होगा कि अब भारत सरकार पीओके को लेकर कब जल्द से जल्द एक्शन लेती है, क्योंकि सैन्य रूप से लेकर पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति तक सभी का मूल्यांकन करके भारत इस समय अब तक सबसे मजबूत स्थिति में है पीओके पर कब्जा करने को लेकर।